जी नमस्कार सब गोटा का। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के ई आजुक सत्र में अहाँ सबके स्वागत छे। अमिकेश जी जुड़ रहल छथिन। जी जी लाइव भ गेले, लाइव भ गेले। जी आजुक अखन के इस सत्र के कार्यक्रम जे छे अपन सबके राजकमल चौधरी व्यक्तित्व आ कृतित्व पर आधारित छे। अपना सबक के बीच राजकमल चौधरी साहित्य के विशेषज्ञ, दू बहुत पैग विद्वान, एतिक पैग विद्वान की हमरा लग विशेषण नहीं भेट रहा, हुनकर सबक स्वागत करे के लेल उपस्थित छथि डॉक्टर देवशंकर नवीन। डॉक्टर नवीन एक तरीका से एना कहियो जे राजकमल साहित्य के वो विद्वान छथिन जिनका समीक्षा के बिना राजकमल चौधरी के साहित्य के संपूर्ण समीचीन अध्ययन नहीं कायल जा सकैए। जे स्थिति, जे जगह संपूर्ण हिंदी साहित्यक परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के छे, वह जगह, वह स्थिति आ वह स्वरूप एक विराट आकार लेने उपस्थित राजकमल साहित्यक, वह स्थिति लेने मौजूद छथिन नवीन सर राजकमल साहित्य में। अपन सभा के बीच नवीन सर के हैव एक बहुत पैग अपन सभा के एक तरीका से सुखद संयोग छे। एहि दुआरे कि नवीन सर आचार्य छथिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, वो विश्वविद्यालय जे अपना आप में ई देश के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय छे। अपना के बहुत बहुत स्वागत छे सर ई कार्यक्रम में। अपने सभा के बीच छथिन मूर्धन्य विद्वान, साहित्यकार, समीक्षक, आलोचक, संगहि संग कुशल एकटा ऑफिसर कहियो तो ओ कम है, कुशल संयोजक श्री तारानंद वियोगी जी। अपने के संप्रति कला संस्कृति मंत्रालय बिहार सरकार से सेहो छे। साहित्यिक आ आलोचनात्मक योगदान अपने के उतबे बेसी छे जतबा अपने के अकादमिक आ एक टा प्रशिक्षक के जगह योगदान छे। हिंदी साहित्य, मैथिली साहित्य, संगहि संग बांग्ला साहित्य में सेहो में अपने के अभिरुचि आ योगदान छे। अपने के सर हम तहे दिल से आभारी छी जे अपने अपन व्यस्त कार्यक्रम के बीच से ऑफिस में लंच टाइम के एक्सटेंड कर के, लंच टाइम के इस सेमिनार के लिए सुरक्षित कर के अपने इस कार्यक्रम से जुड़लिए। अपने के सर हम हृदय से स्वागत करे छी। धन्यवाद दीपक। ई सत्र महत्वपूर्ण छे। ई सत्र खलिस एहि दुआरे महत्वपूर्ण नहीं छे जे ई सत्र राजकमल चौधरी पर छे, ई सत्र एहि यो दुआरे महत्वपूर्ण छे जे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के 2020 के जे आरंभ के भूमि रहल महिषी गाम, जे मंडन मिश्रक भूमि जन्म कर्मस्थली रहले हैं, एक शक्तिपीठ रूप में बहुत सुविख्यात भूमि रहले हैं, राजकमल चौधरी ओ भूमि के आधुनिक रूप छथिन। ई आधुनिक रूप कोना छथिन ई अपना सब ई सत्र में आगा धीरे 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 बुझे जेबे। एकटा रूपक से राजकमल चौधरी के आधुनिक साहित्य में, आधुनिक हिंदी मैथिली दुनू साहित्य में भूमिका के बुझ सकै छी। जे जना जखन अपना सब अपन गाम से
दिल्ली के यात्रा पर होइ छिए त रास्ता में ढेर रास माइल स्टोन भेटे छे। ओ माइल स्टोन पर लिखल रहे छे जे दिल्ली 2000 किलोमीटर, दिल्ली 1000 किलोमीटर, दिल्ली 500 किलोमीटर। जखन अपना सब दिल्ली प्रवेश कर जाए छिए बावजूद वो माइल स्टोन भेटत कनॉट प्लेस में, आके माइल स्टोन भेटत दिल्ली 3 किलोमीटर, करोल बाग में भेटत दिल्ली 5 किलोमीटर। आखिर ई दिल्ली 0 किलोमीटर कथा होइ छे, ई दिल्ली 0 किलोमीटर होइ छे राजघाट पर। राजघाट के बाहर माइल स्टोन लागल छे दिल्ली 0 किलोमीटर। आधुनिक हिंदी आ मैथिली साहित्य में राजकमल चौधरी दिल्ली 0 किलोमीटर के माइल स्टोन छथिन, जता सा हिंदी आ मैथिली साहित्य के नवनिर्माण के दिशा प्रशस्त होइ छे। यात्री जी से अपना सब चूंकि सब गोटा उम्मीद करे छी मैथिल हेबे, लेकिन बहुत रास एहन लोग हेथिन जे हिंदी हेथिन, लेकिन मैथिली एहन भाषा छिए जे एतेक कर्णप्रिय एतेक बोधगम्य भाषा छिए जकरा बहुत सहज रूप से सब बुझि सकै छै। त यात्री जी, वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी, नागार्जुन जी राजकमल पर एकटा कविता लिखने रहित, इस पीढ़ी और उस पीढ़ी के विरोधाभास प्रबल। ई चर्चा के आरंभ अपना सभी बिंदु से कह सके छी जे हम आग्रह करबेन नवीन सर से, योगी सर से, जे इस पीढ़ी और उस पीढ़ी के विरोधाभास प्रबल कोना राजकमल। नवीन सर सर आके अहाँ म्यूट छे सर। धन्यवाद दीपक जी, मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल दिस आयोजित एक कार्यक्रम में जुड़ल संपूर्ण श्रोता लोकन के हमर नमस्कार। प्रिय मित्र डॉक्टर तारानंद योगी जिनका संग राजकमल चौधरी पर शुरुआती समय से काज शुरू कलूँ आ जे कह सकलूँ से कने दीपक अहाँ बेसिए हमरा बारे में कहलिए। हमरो आ प्राय वियोगी के सेहो इएह वक्तव्य हैत जे हमरा सब एहन कोनो विशिष्ट काज नहीं कलूँ, मात्र अपन पूर्वज के लेल किछ जे क्षमता रहा ओहि क्षमता के अनुसार से परवर्ती काल के लोक के जागृत करे के चेष्टा कलूँ। आ किछ जे पूर्ववर्ती पीढ़ी के लोग जिनका राजकमल चौधरी के संबंध में अत्यंत खिन्न धारणा बन गेल रहन, हुनकर धारणा के बदले के चेष्टा कलूँ, बदल सकलूँ कि नहीं से कहब कठिन है। राजकमल से किछु एक बरस छोट उम्र में धूमिल जे अपन से एक कविता लिखलखिन, ओ कविता जो केओ पढ़ लिए तो राजकमल चौधरी के बुझे में से बहुत सुविधा हेते। मुदा सबसे बड़का संकट है जे लोग कोनो साहित्य के पढ़े काल कल खन जे गप होत रहे जे साहित्य पढ़े काल ओकरा बुझे के एते हलतलबी रहे छे, एते जल्दी रहे छे जे कोनो चीज पर ठहर के सुने बुझे के वो कोशिश नहीं करे छे, जल्दबाजी में रहे छे, जल्दी से जे उपरे झापड़ जे भा सकल से लाकर निकल गए। ई काज लोक धूमिल के वो कविता राजकमल चौधरी के लिए पढ़ के सेहो कलके, लेकिन धूमिल में बहुत गंभीरता से बात के रेखांकित केने छथिन जे धूमिल के सबसे बड़का दुख ऐ बात के रहे जे हमरा समय के एकटा महान चिंतक हमरा बीच से चल गेल आ समाज के एकर कोनो चिंता नहीं छे। किछ गोटे के चिंता छे जे चाहक दुकान पर बैस के राजकमल चौधरी पर से शोक सभा आयोजित करे में तल्लीन ये, किया त ओय में ओकरा राजकमल चौधरी के संबंध में थोड़े खपत अपन मन के जे मबाद छे, पीज छे, से निकाले के चेष्टा भेट। अचानक से मन पड़े छथि हमरा पंकज सिंह, एक बेर कहने छला मुजफ्फरपुर के रहत, आप जे एन्युआइट रहत, प्रतिष्ठित कवि छला,
बहुत स्नेह करैत रहथि हमरा आ राजकमल चौधरी के बहुत पैघ भक्त छलाह। हुनकर कहब ई छलनि जे राजकमल चौधरी के आभा में वस्तुतः बहुत गोटे देखाइत रहे। से राजकमल चौधरी के अचानक मृत्यु भेलाक बाद जे गोटे देखा बंद भए गेलखिन हुनका राजकमल पर ततेक क्रोध चढ़लनि जे राजकमल चौधरी पर लिखब शुरू कयलनि तऽ ओहि तरह लिखब शुरू कयलनि। ओहि बात से दुखी भए कऽ धूमिल लिखने रहथिन जे हम ओहि कोनो शोक सभा में नहीं जाय चाहे छी, हम कविता में ओहि आदमी के पीछा करय चाहे छी। असल में भेल ई रहे जे राजकमल चौधरी मेटाफर जे रूपक के उपयोग करैत रहथिन ओ राजकमल चौधरी भाषा के लेखक नहीं रहथिन, ओ चित्र के लेखक रहथिन। उनकर एक एक टा वाक्य जे होत रहन ओ चित्र बनबैत रहन। त जल्दी से बात हम से एना समेट के देखे चाहे छी जे कलियो खन भाषा पर गप होत रह क्रियापद मात्र बदल दला से कोनो रचना ए भाषा के कि ओ भाषा के नहीं भए जाय छे। ओय में केवल भाषा में क्रियापद बदल जाय जना कि दूटा महान लेखक भेल छथि हमरा सब मैथिल के गौरवान्वित हेबाक चाही जे फणीश्वरनाथ रेणु आ बाबा नागार्जुन बाबा यात्री। हुनकर हिंदियों के जे रचना छे से अहाँ के वस्तुतः मैथिली के रचना बुझात, केवल ओय में अंतर एतबे छे जे ओय में क्रियापद बदल गेलै। राजकमल चौधरी के जे हिंदी के रचना छे से पढ़बे तो ओ हिंदी के रचना लागत आ मैथिली के रचना जे छे से मैथिली के रचना लागत। एते धैर जे आंदोलन उपन्यास जकर से रचना भूमि कलकत्ता छे लेकिन ओकर परिवेश पूरा के पूरा मैथिली छे, मैथिल छे। ई कोना होय छे ई राजकमल के पढ़िए के लोग बुझ सकैए। सामान्यतया राजकमल चौधरी पर ई से कलंक लगायल जाय छे जे ओ बड़ उद्दंड छला, बड़ अयास छला आ स्त्री प्रसंग नाना तरह के बात सब। हम सब हम आ वियोगी हमरा दुनू गोटे के जीवन में ई तो उदाहरण ये से हुनका महिषी में दूटा उपेंद्र चौधरी छलखिन, एकटा बच्चा कका एकटा परदेशी कका। ए दुनू गोटे के जे राजकमल चौधरी के संबंध में जते गोटे जतेक बेर हम सब हिनका दुनू से भेंट केलहुँ जते जानकारी जते संस्मरण हुनका से भेंट सकल तैमे हमरा सभक सोझा यह चित्र सोझा आयल जे ओ अपना संबंध में कोई तरह के भ्रम कोनो आर कारण से पसारित रहथिन। मुदा राजकमल चौधरी के भैर उम्र हुनका जीवन में एकटा बच्चा जीवित रहलन। एक बेर भागलपुर के से घटना सुनबैत परदेशी कका कहने छला जे ओ एक दुपहरिया रात में एक दिन पहुँचलखिन से परदेशी कका हमरा दूटा टका दे। कहलखिन जे एते रात के टका की करभी, तो ओ कहलखिन जे हमरा मन होइए जे ओ जे घंटा घर लग जे भागलपुर में जे पुल छे फ्लाईओवर ओहि पर हम बैसी आ कोनो रिक्शा वाला के दूटा टका दिए आ हमरा गरकने गरकने ओ से मानिक सरकार चौराहा तक ले जाए। आप ऐ शौख के देखियो केहन विचित्र आ कते बचकाना शौख छे। तो ओ आदमी से भैर जा जिलखिन 37.5 वर्ष के आयु में जे गद्य ओ लिख गेलखिन से गद्य हिंदी में हमरा बहुतो रास से 80-85 बरख के वयोवृद्ध लेखक सब में ओते मजबूत गद्य नहीं भेट सकल। हिंदी में राजकमल चौधरी के गद्य के से एक रति जो स्वरूप दिखाई है तो ओ आके विनोद कुमार शुक्ल के गद्य में दिखायत वह चित्रात्मकता जना राजकमल चौधरी चित्र में सोचित रहथिन तहिना विनोद कुमार शुक्ल के गद्य पढ़बे तो सेहो अहाँ के ओहि में चित्र में सोचित देखेता। हमरा सबके सुनल है जे राजकमल चौधरी चश्मा के बड़ शौकीन रहथिन, तरह तरह के चश्मा रखित रहथिन।
हम सब तो जखन 4 बरख 5 बरख के रहल है तखन वो चल गला ऊपर तो हुनकर तो अपना से तो कोनो बोध है नहीं, सबटा बोध जे छे से सुन सुन के हमरा सब के भेटल है। तै बोध में ई रहे जे चश्मा के शौकीन वो जो रहथिन ऐ वाक्य के केवल एकटा वाक्य नहीं बुझल जाए, चश्मा के मतलब उनका जिम्मा में तत्ते तरह के चश्मा रहे जो वो समाज के कई दृष्टि से देखते रहती। आ जना स्त्री के देखे के उनका से अथी रहन उनकर चर्चा रहन तै में से स्त्री के जतेक स्वरूप मिथिलांचल में भ सके वो सबटा स्वरूप कादम्बरी उपकथा देखियो तो ओमें कादम के एक दूसरे चरित्र अहाँ के दूसरे स्वरूप देखा। राजकमल चौधरी के स्त्री हुनका हुनकर रचना के स्त्री के एते तरह के स्वरूप जे छे से अही कारण छे जो हुनकर चश्मा एते तरह के रहन जो कोनो कोन सब कोन से सब तरह से देखित रहथिन। त से हुनका जे कीर्तनिया कथा के जे कीर्तनिया छे वो स्त्री के एक दोसर स्वरूप छे। ननद भाउज के जे रामगंज वाली आ से वो दाई छे से ननद आ भौज वो दुनू दोसर तरह से के चरित्र छे। तहिना से जो बाबू साहब के टीक छे ओमे अलग तरह के छे। अहिना से हरिद्वार बास के जे भौजी छथिन से ओ ओ दूटा लेलीरे के कहानी आ राजकमल चौधरी के कहानी दुनू कहानी के मिला के पढ़वे तो लागत जे दुनू गोटे मिल के एक एक कहानी लिखलखिन है। आ एते धैर लीलीरे लिखलन आ ओकर बाद के कहानी से राजकमल चौधरी लिखलन। त ई हुनकर ओय चश्मा के विशेषता रहे मतलब कि दृष्टि के से विस्तार रहे जे समाज के सब वर्ग के लोक के अही तरह देखे के चेष्टा कलखिन। आय जना जते तरह के से विमर्श सब आयल वही विमर्श के आधार पर जब देखब शुरू करबे तो बाजार बात तो उजका बात अहाँ सबके बुझाई है। 1966 में उनकर एक कहानी छपलन पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ। वही में से एक चाय बगान के मालिक के विधवा पत्नी आ अपन एक सखी के संगे वो दुनू जे महिला छथिन से एक के नाम उनकर शारीरिक गठन के कारण रख दिल गेलन मिस गुलदस्ता और मिस आचारी। आ वो दुनू स्त्री से ओहन किया छथि से अहाँ के बुझे में लागत अचानक से जे प्रेमचंद के कहानी कफन पढ़वे तो घीसु माधव के जे ओहन चरित्र देखने रहिए या देख रहल छिए वो चरित्र घीसु माधव समाज के जे सामंत लोक सब रहे से बेगार में काज कराबे तो एकरा अहु दृष्टि से देखे के जरूरत छे जे घीसु माधव के एहन बुझेले जे जो हम अपना के निकम्मा साबित कर ले छी तो ई सब हमरा से काज करे ने बंद करत। तो कते गोटे किया ओहन किया छे वो मिल मिस गुलदस्ता अपना संबंध में प्रचारित केने छे जो दुष्चरित्र आ बदचलन महिला छे तो ओकरा ओ अपना के अपन एक कुत्सित समाज आ से हृदयहीन समाज के आतंक आ कुख्याति से स्वयं के बचाव लेल ओ अपन एक एहन चरित्र प्रसारित केलके। आ ओ प्रसारित कै के ओ कुपात्र सबसे ओ दानव सबसे ओ स्वयं के बचा पावित रहे। राजकमल चौधरी से हो अपन चरित्र के संबंध में एक प्रचार जका करे छला आ ओ प्रचार से ओ स्वयं के बचा के समाज के लेल उपादेय कोनो चीज ओ कै सकत रहे से करे के ओ चेष्टा कलन। आ तें अपन एक वक्तव्य में एक ठा से बुद्धिजीवी के चारित्रिक द्वैध सब के रेखांकित कलखिन जे प्राध्यापक आ लेखक से अकाल के बारे में वक्तव्य दे सके मुदा हुनकर विश्वविद्यालय में जे कोनो धांधली भए रहल छे ओय में जे से लाल फीताशाही भए रहल छे तकर विरोध में नहीं लिख सके। एकटा पत्रकार से अमरीकी साम्राज्यवाद पर प्रवचन कै सके लेकिन अपना देश में जे ओ वियतनामी गुंडागर्दी पर प्रवचन दे सके लिख सके मुदा अपन देश के पूंजीपति के विरोध में किस नहीं लिख सके किस नहीं बाज सके क्या तो ओ पूंजीपति से ओकरा किछ
प्राप्त करबाक छै। ई सबटा जे सूक्ष्मता रहे बौद्धिक चरित्र के जे दुविधा रहे एहि दुविधा के बहुत से एकदम महीन ढंग से राजकमल चौधरी भर जीवन देखे के चेष्टा कलखिन आ से अपेक्षा ए बात के कैल जवाक चाहिए आय के समय में जे हमरा सब राजकमल चौधरी के साहित्य के पढ़ी आ से पढ़ के जो अपना में उतारे के चेष्टा करी आ हुनके तरह हुनके देल तरह तरह के चश्मा से समाज के तरह तरह से टेस्ट करी आ समाज में जे किछ दुविधा छै तकरा दूर करे के चेष्टा करी त से निक हैत। आगू प्रश्न हैत ते पर और चर्चा शुरू करब तत्काल परिचर्चा स्वरूप में एहना एतबा कहलौं। जी सर, रविंद्र कालिया जी के एकटा पोथी छै गालिब छोटी सा। अपने बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक कहलिए जे ओ पुस्तक में रविंद्र कालिया जी राजकमल के याद करैत लिखे छथिन जे राजकमल से जहन उनका भेंट होइत रहे दिल्ली आबैत रहथिन तो जब सब गोटा संग में बैसैत रहथिन तो कई दिन की भले राजकमल ई कह के निकल जात रहथिन जे हम बीचे मज की हम जाय छी। रविंद्र जी पूछे छथिन जे कत जाय छी तो कहे छथिन जे हम जाय छी दिल्ली के जे एकटा स्थान विशेष छै जे कि जीबी रोड से जीबी रोड दुरागरा के शिकार छै। हां जी जीबी रोड हां। एक दिन एना केलखिन राजकमल। हमरा लागल जी प्रसंग बहुत रोचक छै तै दुआरे हम सर कहे चाहब जे फेर दोसर बेर एना केलखिन राजकमल फेर कहलखिन जे हम जाय छी फेर पुछलखिन कतऽ जाय छी फेर कहलखिन जीबी रोड जाय छी। तेसर दिन रविंद्र जी अपन एकटा संगी के हुनकर पाछा लगा देलखिन। ओ संगी देखै छै जे कहि के जाय छथिन जे हम जीबी रोड जाय छी लेकिन चुपचाप घर जाकर सुति रहै छथि। तब एकटा चरित्र के स्तर पर जे राजकमल के जहन हम योगी सर के जीवन किया जिया जे कि राजकमल के साहित्य के बुझे के लेल हुनकर पूरा परिवेश के एक तरीका से बहुत सूक्ष्म अवलोकन छे जहन जीवन किया जिया से गुजरत रहिए तखन ई प्रसंग हमरा बेर बेर मन पड़े जे एकटा लेखक एकटा कवि एकटा रचनाकार के संग संग एकटा बहुत पैघ समाज शास्त्रिक बोध राजकमल में रहे आ ओ बोध के बेर बेर एक्सपेरिमेंट करैत रहथिन हमरा ई लगैए। तब हम ई जानल चाहब योगी सर जे ई किस्म के जे चरित्र के विकास होइ छै जे एकटा एहन चरित्र जे अपना ऊपर प्रयोग कए कऽ ओहिसँ परिणाम निकाले ओ परिणाम निकाले के चेष्टा संपूर्ण समाज शास्त्रीय एहि दृष्टिसँ होय जे ओ समाज के किछु एहन दै लए चाहै छथिन जाहिसँ समाज एखन तक च्युत छै। एकर निर्मिति के परिप्रेक्ष्यमे अपने के जे पोथी छै जे बहुत माणिखेद छै जीवन क्या जिया ओकर हवाला सँ राजकमल के एक बेर व्यक्तित्व पर अपने के की दृष्टि छै। जी सर दीपक कोनो ई किस्म के चरित्र के विकास होइ छै। जी सर तो राजकमल चौधरी के जे चरित्र के विकास भेलन तो ओकर तो तत्ते लंबा एपिसोड छे जे वो किताब के पढ़वाक चाहिए। हर एक नौजवान के एक बेर तो जरूर वो किताब के पढ़वाक चाहिए। हम अहां जे पूछलौं जे हुनकर व्यक्तित्व पर से हम कोना के सोचे छी तो चारिटा से बहुत प्रमुख विशेषता हुनका व्यक्तित्व में से हम सब देखे छियै और वह चारू दिस छिड़ियाल अहाँ के भेटत हुनकर बचपन से लाके और जा तक वो धरती पर रहला। एकटा तो बहुत बहुत प्रतिभाशाली रहते बहुत तेज रहते संस्कृत पंडित सब में एकटा शब्द से प्रयोग करे छथिन अष्टम्यंत बुद्धि। अष्टमी तक जे छे से कारक होइ छे संस्कृत में जे से शब्द रूप देखबे तो अष्टमी संबोधन के अष्टमी कहे छे मुदा अष्टमी के आगा जे कि मतलब वास्तव में व्याकरण से बाहर छे तो बहुत मेधावी बहुत जे मतलब जकरा कहू कि दैवी प्रतिभा या अथवा जे कहियो मतलब वो
मैंने आदमी के से प्रतिभा हेबाक में जत संशय हुए तत्ते प्रतिभाशाली वो लोग रहते और जे किछ करे ले चाहलखिन तो सबटा लीक से हट के करे ले चाहलखिन जेकि स्वाभाविक छे ओ जे अष्टम्यंत बुद्धि लेके जे जन्मता त से एहन करबे करता ई मतलब स्वतः स्वाभाविक रूप से ई छे त ई हुनकर बचपन से ई प्रवृत्ति हुनका में देखल जाय छन एकटा त से दोसर जे ओ बहुत भयंकर मतलब अविश्वसनीय रूप से वो निर्भय रहथिन उनका भय नाम के कोनो चीज नहीं रहन एकटा पांडुलिपि हमरा देखवा के लेल भेटल उनका बहुत क्लोज मित्र रहथिन उग्रानंद जे मैथिली के लेखक सेहो भेला ओटा संस्मरण लिखल किताब पूरा छे मतलब 150 पेज के किताब लिखलखिन ओ और वो छपले ने ओकर पांडुलिपि हमरा से डॉक्टर रामानंद झा रमण लग में वो पांडुलिपि छन तो से बहुत जोगाड़ से किताब हमरा से पढ़वा के अवसर भेटल में से हुनकर युवापन के अनेक प्रसंग एहन अल एहन जगह पर वो जो उलझ गेलखिन जे जता कि हुनकर हायर जवा के पूरा गारंटी रे कोनो ओठाम हरिये मारि खाते तो मुदा ओठाम वो मुकाबला केलखिन तो ई जे मतलब ई निर्भयता जे हुनका में रहन तो एक टा तो ई बहुत से मतलब महत्वपूर्ण चीज हुनका में छन। दोसर जे ओ जे अपना संबंध में से तरह तरह के प्रभात पैदा करै छलखिन व्यस्त राखे ला ई प्रवृत्ति हम जे छे से हिनका नागार्जुन में सेहो देखलियन नागार्जुन के हम से जीवनी लिखलों तो हुनका पर बहुत गहराई में जाके जे छे से हमरा अध्ययन करे के से अवसर भेटल होय छे कि जे जे हाँ राजकमल चौधरी के लिए तो राजकमल चौधरी जय हिसाब से हुनकर जे छन से जीवन कार्य बहुल रहन एकदम अस्त व्यस्त जीवन रहन व्यवस्था के कोनो मतलब व्यवस्था और राजकता जकरा कहियो तो से एकदम से मतलब न्यून से न्यून रहे अराजक और अव्यवस्थित हुनकर जीवन पद्धति रहन ए दुआरे जो वही में वो जे छे से सहज रह सके छला है तो एतेक काज जे कि मतलब नवीन जी के काज जे छे से अखन मतलब चकित केने छे सबसे हिंदी संसार के मतलब एतेक काज वो कम समय में बेसी से बेसी 10 साल के समय उनका लिखवा ले भेटलन एतेक काज वो केलखिन तो जखन कि मतलब स्वयं नवीन जी कहता जे मतलब से हमरा सब अखन रास्ता में छी मतलब पूरा राजकमल के अनावृत करे के से प्रयास में हम सब रास्ता में छी अखन तखन जे छे से लोग के मने चकाचौंध लग रहल छन तो हो छे कि जे जखन अहां कोनो काज में लागल छी ना लूसुन लिखलखिन ना बड़ा सुंदर एकटा बात जे आलोचक लोकन जे होय छथिन ना से माछी होय छथिन और ओ बरत जखन हर जोतैत रहे छे तो ओकरा मने माछी तंग करे छे देह पर तो ओ अपन पुछड़ी से ओ माछी के जना होंकै छे तो से हरेक लेखक माछी के होंकै ले एकटा पुछड़ी के आविष्कार करैए राजकमल चौधरी के वो आविष्कार चलन यात्री जी तो ऐसा आगू बढ़ के करे छलखिन वो तो पत्रकार सब बजा लेथिन और से वो से स्टेटमेंट देथिन प्रेस में एहन स्टेटमेंट देथिन जिनका से पिंड छोड़वा चाहे छथि से सब हुनका खिलाफ जे छन से मुर्दाबाद अब क्या रहला अब हुनकर अपन वो अलग एक मैंने मोर्चा खुल गया। राजकमल के की रहन जे एक चारिम विशेषता हम अहाँ बतबैत रही चारिम विशेषता की रहन जे संसार के जे सबसे रहस्यमय वस्तु अखन तक छे रहले ये सब युग में और आदि से लेकर अखन तक वो छे स्त्री पुरुष संबंध इस सबसे रहस्यमय मानव जीवन में से ही छे और ऐ रहस्य के भेदे में राजकमल के बहुत शुरू से मैंने एकर नवीन जी अपन किताब में एकर पूरा विस्तार से एकर विवरण दिलखिन हमहू ओ प्रसंग के से उल्लेख केने छे जीवन क्या जिया में जे कोना बहुत बचपन से उनका जे छन से ओ राधा कृष्ण के देख के लागे छलन जे 18,000 से गोपी के संगे एकटा कृष्ण से मतलब कोना रह सके छथि ते एकटा स्त्री पुरुष संबंध के जे छै से होय छै कि जे अहाँ के जे चीज अटियाल रहत ने तो ओकर व्यवहार अहाँ के बहुत आसान होय छै जकरा जे चीज के संगे वो अभ्यस्त रहै छै तो ओकर उपयोग करै छै तो ओ चूंकि हुनकर जे छन से प्रमुख जे जीवन के से मतलब जिज्ञासा रहन से स्त्री पुरुष संबंध रहे स्त्री पुरुष संबंध से जोड़ के जे छे से वो जब मिथक अपना बारे में प्रबाद से कहथिन तो से वो स्त्री पुरुष संबंध से जोड़ के कहते रहते वास्तविकता तो या छे
जे मने हुनका लिखै में आलस्य नै रहन और एते प्रतिभाशाली रहथिन जे कहियो जीवन में जे चीज ओ लिखलखिन तकरा ओ फेर दोहरा के पढ़लखिन नै और ओकरा मने करेक्शन करना है और से एक बेर रफ लिखला के बाद ओकर फेयर करना ई सब तो बहुत दूर के बात छियै और उनका पढ़ तक नै छलखिन ओ लिखलैन और ओकरा जे छै लिफाफ में बंद कए के ओकरा ओ पोस्ट कए देलन जिनका किनको हुनका पठेबा के छलन। ई सब विशेषता से मने हुनका व्यक्तित्व में हमरा देखार पड़ै है। और राजकमल के संबंध में और एक बात अहाँ के हम कहब जे अखन हाल में से हिंदी में से एक लेखक के से संस्मरण अयलन वो बहुत चर्चित भेले श्री मंगल सिद्धांतकर वो हुनकर समकालीन हुनकर मित्र छलखिन हुनकर मने की कह सर्किल के लोग छलखिन वो इतने बरस के बाद राजकमल जी के मरना 53 बरस भेले देखियो और 53 बरस के बाद से हुनकर संगत में रहल एक आदमी जखन हुनकर मने हुनका पर संस्मरण लिखे छे तो फिर वह गंदगी के बात करे छे जे वो 53 बरस पहिने करी छले त अय बारे में हमरा जे छे से वो सदाशिव श्रोत्रिय राजस्थान के एक मित्र छथि हमर बहुत बुजुर्ग लोग छथि बहुत ज्ञानी लोग मने ऋषि मुनि परम्परा के लोग जे अखन छथि दुनिया में किस तत्व में से एक लोग छथि तो हमरा पूछलन जे एबर अहाँ के की कमेंट है तो हुनका हम एक लाइन में जवाब दिलियन जे राजकमल के पीढ़ी से राजकमल चौधरी के नहीं बुझ सके अथवा जकरा ई होय छे जकरा जकरा की अपन एक आग्रह छे जकरा की मतलब ओ हुनकर व्यक्तित्व के भेद के हुनकर साहित्य तक पहुंचे के जकरा में से कलेवर नहीं छे ओ राजकमल चौधरी के बुझे की क्षमता ओकरा में नहीं छे और अही यह कारण छे जे जना जना समय बीतल जा रहल छे से राजकमल चौधरी बेसी लोकप्रिय भेल जा रहल छे बेसी हुनका बुझे के बुझे वाला से जनरेशन आबि रहल छे सामने और यह कारण छे कि नवीन जी के संपादित जे वो 8 खंड में राजकमल रचनावली छे तो अहाँ पता लगेबे प्रकाशक से जे मतलब सर्वाधिक बिक्री वाला जे रचनावली सब हिंदी में छे तो ओमे से एक रचनावली एते मतलब हुनका प्रति से जे एक ललक होइ छे से नवका जनरेशन के होइ छे ओकर कायटक कारण छे ओकर कारण छे जे वो एहन साहित्य लिखलखिन जे अपना समय से बहुत पहिने लिखल गेल रहे वो समय तो बहुत बाद में आबा के छलै तै पर से और हुनकर से मतलब जे साहित्य छे ना से आय के दिन में हमरा जे छे से बेसी डिकोड होइए बेसी डिकोड होइए और से हुनकर मैथिली साहित्य से हो मैथिली साहित्य के कम कह के नहीं आकी से मतलब हुनकर मैथिली साहित्य में तो एहन एहन से वस्तु सब छे जे माने जँ वो कदाचित नहीं लिखल जाते तो हमरा लागे है कि जो वो अधूरा रह जाते वो विद्यापति के जो मैथिली छे ना से वो राजकमल चौधरी यदि नहीं होते तो मैथिली के वो चीज नहीं नसीब होते तो तेहन तेहन चीज सब ते पर फिर अपना सब गप करब आगू बढ़ो। जी सर सर बहुत बढ़िया अहाँ इस चीज के उल्लेख के लिए जे मैथिली साहित्य हुनकर जे छे वो अगर नहीं रहते चर्चा में तो हुनकर चर्चा मैथिली साहित्य के बिना अधूरा छे। गालिब के एक ता शेर छे सर जे ईमान रोके है मुझे रोके है मुझे कुफ्र काबा है पीछे मेरे किलासा मेरे आगे त जहन राजकमल चौधरी के हिंदी या मैथिली साहित्य के अपना सब देखे लगे छे नंदकिशोर नवल जी पर टिप्पणी केने रहे जे उसके उनके हिंदी साहित्य में उजाला ही उजाला है और सॉरी अंधेरा ही अंधेरा है और मैथिली साहित्य में उजाला ही उजाला हालांकि अंधेरा कि अंधेरा एक एहन प्रतीक रहले हैं सदियों से एहन प्रतीक रहले हैं जकर नकारात्मक अर्थ निकले छे लेकिन वो अंधेरा समाजक वो अंधेरा छे वो चौखट के भीतर के वो अंधेरा छे जकरा प्रकाश में आनब जरूरी छे तो हुनकर मैथिली आ हिंदी साहित्य पर हम चाहे छे नवीन सर एक बार प्रकाश डालथिन। ठीक कहलिए दीपक हमरा तो अहाँ के अंतिम समय के चिंता होत रही है जो कखन घंटी बाज जात असल में छे कि जे अहाँ जतय से रविन्द्र कालिया वाला शुरू केने रहिए ना अब हमरा लेल अब योगी के लेल ई संकट एक भए गेल है जे एक सप्ताह पहिने बहुत रास बात ओय में कहलिए अब ई होइए जे से कोन बात ओय में कह देलिए कोन नहीं कहलिए
तो लोग सुनिहार ही ने कहे जे एक एटा बात के घाटि फेने छथि त अहाँ जे रविन्द्र कालिया वाला प्रसंग कहलिए ना एहने सन प्रसंग हमरा मुद्रा राक्षस सुनने छला। मुद्रा राक्षस हुनकर बहुत करीबी मित्र रहथिन जे हुनका संगे एक दिन कॉफी हाउस आयल रहथि तो ओहिठा चाह ताप पीलाक बाद से बहुत रात भए गेलै तकर बाद कहलखिन जे हमसे आप चललौ हम सब गोटे के कतौ जाय सब अपन अंगेठी तंगेठी लेलक तो ई कहलखिन जे हम तो भाई जीवी रोड जा रहे हैं कौन किसको चलना है मेरे साथ। आप सब से आतंकित रह गेलै नीचा उतर के से मुद्रा राक्षस पूछलखिन हुनका वो मुद्रा कहित रहथिन मुद्रा जी पूछलखिन जे तुमको जाना है कहीं और तुमने क्यों कहा वहां ऐसे इस तरह से क्यों बोलते हो। कहलखिन एक गैर देत कहलखिन जे मरने दो कम वक्तों को अब 10 दिन तक ये लोग कोई चैन से नहीं सोएगा हम लोग आराम से काम करेंगे। तो योगी सूचना जो नांगेर रहे माछी रुबे वाला वस्तुतः वो माछी रुबे वाला रहे और से संख्या रचना के जहां ढेर छे से हमरा सब के सूची जतवा प्राप्त ये ततवे ता सूची नहीं छे राजकमल चौधरी के रचना के अचानक से कतो किच भेट जाए छे तो तय में अंदाज करियो जे लगभग 40 मैथिली में आ 144-145 कहानी हुनकर भए चुकल छन 37 बरख के आयु में बल्कि 37 किया कहबे ओ कहियो जे 65 तक गनबे ना हुनकर अंतिम 2 बरख त बीमारे रहले ते में मुक्ति प्रसंग लिखल गेले त हुनकर हरेक आचरण जे ओ आदमी के रहे वो अपन जीवन टा छोड़ के वो कोनो चीज में साहित्य के कोनो चीज साहित्य बना सकत रहे। जो अहाँ के कंकावती के पहिल से संस्करण देखे ले कतौ भेट जाए बाद में तो ओकरा लोक सब जे छे से सुधार तुधार कै दलके त रचनावली में सेहो हम ओहिना कै के पठेलिए आ राजकमल चौधरी के ये राजकमल प्रकाशन के प्रूफ रीडर जे छे से ओकरा करेक्ट कै के निचलका लाइन के ऊपर कै दलके। असल में कंकावती के जे फॉर्मेट छे ओ फॉर्मेट में राजकमल चौधरी एक टा शैली देने छथिन ओहि शैली के हम हमर जे व्याख्या है क्या कतेक रास आचार्य जे छे तकर प्रशंसा कैलन अहूँ सब देखियो जे ओकरा जो स्वीकृति देबे हमर ओहि व्याख्या के त से बड़ बढ़िया जे अक्षर जे छे जकर से अक्षर नाम ए शब्द अथी के वर्णमाला के नाम अक्षर ए लेल पड़ल छे जे ओकर क्षरण जकर क्षरण नहीं हुए से भेल अक्षर आ से जहन साहित्य में आवै है कविता के फॉर्म तो ओय में देखबै जे बरामदे में टूटी हुई तो टू ओता छे आ टूट ओता छे आ ओकर दीर्घिकार जे छे से नीचा के दोसर पंक्ति में छे आ दुनू का जस्टिफाइड ई एकटा शिल्प छिए जे व्यवस्था बाबू बनल रहे अक्षर भने टूट जा वो भने ओकर नाश भए जाए ओकर अर्थ भने विकृत भए जाए मुदा व्यवस्था जे बनल है से बनल रहे। अहाँ मन पारियो जे 60 के से लैके 64-65 धर के जे समय छे वो व्यवस्था में एहने अराजक समय के चीज रहे। अहाँ जे अनहार आ से प्रकाश के इजोत के गप के लिए ओय पर से स्वयं राजकमल कहने छथिन जे आब अस्तित्वक अविचल यथार्थ दुएटा अइ। प्रथम ई जे हम सब ताकि रहल छी किरणमाला आ दोसर एतबे जे अतीत प्रेतक अनिवार्य संगति में महावन में जीवित छी हम। ई किरणमाला के अनुसंधान जो हुनकर कविता छे तकरी लाइन छे आ तें ओ ए बात पर जोर दए के कहलखिन जे कविता नहीं थी काब नखसिख श्रृंगार रति विपरीतक उंटल ग्रीवाहार कविता थिक जीवनक जय घोष। से जीवनक जय घोष जे ओ रचना में जहिया जह सब दिन करत रहला है आ कथन में भंगिमा में शब्द में कते गोटे त बीच में व्याख्याता सब से राजकमल चौधरी के शब्द ब्रह्मा तक से हो कहने छथिन। ओ शब्द ब्रह्मा अ कारण जे दूटा शब्द के मिला के ई काज बाबा से हो बाबा के कविता में एकटा लौह नायिका छे
ओ लौह नायिका इंदिरा गांधी छे, लोहिया डॉक्टर लोहिया के समय के मामला छे। तहिना से ई जे रचना करैत रहथिन आ बाबा के कविता के वो देखबे मादरे हिंद की बेटी, कल्पना करियो जो में कते विस्तार छे। राजकमले चौधरी के देखियो, क्यों मेरी कमर की हड्डी और वियतनाम में एक ही युद्धोरा, एकटा कवि के डांड में दर्द भए रहल छे, हड्डी में दर्द भए रहल छे, तकरा दुनिया के दर्द देखा रहल छे। ई जे देखे सुने बुझे के तौर तरीका रहन उनकर, तई से जे ओ मैथिल समाज के देखत रहथिन। नवल जी के जे हुनका हिंदी में से अन्हारे अन्हार आ मैथिली में इजोते इजोत जे देखेलन, ई अन्हार आ इजोत दुनू के अपन अपन ठाम छे। आ सीमा से हो छन, वो जतबा अपन देखलखिन ततबा देखलखिन, लेकिन वो अपना समय के राजकमल चौधरी ए बात के से उनका राजकमल के निंदको कदे कहित भे, तो वो विश्वास करे में कन्नोटा नहीं हिचकत जे ओई समय के वो बहुपठित माने सर्व सर्वाधिक पठित लोक माने पढ़निहार, अध्यवसाय हुनकर अपना समय के सब लेखक से बेसी रहें। आनुपातिक रूप से आय धैर राजकमल चौधरी से बेसी, किया तो दसे बरख के तो हुनकर लेखन छे, तो दस बरख के लेखन के तुलना जब कोनो आन लेखक के दस बरख के लेखन से करबे तो तकरा लग में राजकमल से सब राजकमल चौधरी के सामने में पासंग जका धनिया आ नून आ धनिया के पात आ मरचाई जे दैये से देखेता। एतेटा सबके जीवन भेटलन, तो वही जीवन में योगी जी जय अथी के चर्चा करित रहे था के साहस के, वो आदमी का डरे नहीं हुए कखनो। ओ जान मछली मरी हुई उपन्यास 1960 से लेकर 1965 तक राजकमल प्रकाशन में गोरल रहले, नहीं छपले, साहस नहीं हुए कोनो प्रकाशक के आ राजकमल प्रकाशन के कोनो सलाहकार के साहस नहीं होते रहे ओकरा छप दे के। तखन राजकमल चौधरी चिट्ठी लिखलखिन, आठम खंड में देखबे रामकिशोर द्विवेदी के नाम से वो चिट्ठी छे, एक होता है नवोदित आलोचक नामवर सिंह, कहीं मिले तो कह देना कि पटने में होता है एक राजकमल चौधरी जो अभी बहुत दिन जिंदा रहेगा। आ एक मास के भीतर तकर बाद ओकर से ई गेल रहे। यह हाल रहे उपेंद्रनाथ अस कोई समय के बहुत विख्यात रचनाकार रहथिन, एकटा प्रकाशन सेहो चलित रहन। चिट्ठी पुरजी जतेक आबे शुरुआती जे चिट्ठी सब देखबे जान शुरू भेल रहे हिनका संगे, की कहे छे उपेंद्रनाथ अस्क संगे राजकमल चौधरी के पत्राचार जहन शुरू भेल रहे, बहुत आदरणीय बल्कि आदरणीय की फादरणीय जकां चिट्ठी लिखित रहथिन। आ कौशल्या अस्क हुनकर पत्नी रहथिन, हुनका नमस्ते। आ से नीलाभ जे बेटा रहथिन अस्क जी के, तकरा अनुजवत आशीर्वाद तशीर्वाद वो सबटा चिट्ठी में होइत रहे। लेकिन अंत में एक दिन पता चललन जे कि एकटा मैथिली के लेखक के सेहो लिखलखिन पोस्टकार्ड, एक लाइन सिर्फ राजकमल, वो कतो हुनका सुनवा में आबि गेलन जे हमरा बारे में ई कतो किछ अनट बनट बाजल, जरा बहुत प्रेम से राजकमल चौधरी के वो दादा कहित रहथिन वो लेखक, वो आप मर गला, उनका पोस्टकार्ड पर एक टा लाइन लिखलखिन, प्यारे राजकमल अफवाहों से नहीं मरता। देखियो एक टा लाइन, आ वो आदमी के वो चिट्ठी पढ़ के 20 दिन तक वो बुखार में पड़ल, जोर में पड़ल रहल। तहिना उपेंद्रनाथ के चिट्ठी लिखलखिन, आप ने कुछ लोगों से मेरे बारे में कुछ सुन लिया है और आपने मेरे बारे में धारणा बना ली है, आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या करता हूं। आप नमहर चिट्ठी मैंने ततेक डांट डपट छे, वो चिट्ठी छे वे रचनावली खंड में आप पढ़ लेबे तो अचरज लागत जे वो आनंद स्वामी के जे वो एक अथी पर कला पर एक किताब छे, किताब के नाम अखन हमरा बिसरा रहल है, मने
ई शुरू शुरू में जहन हम एनबीटी में नौकरी करत रही ओय समय में तीन गोटे के वो किताब हिंदी में ट्रांसलेशन करे के लेल दैक आ जहन वो स्पेसिमेन कापी आवे तो वो स्पेसिमेन कापी के रिजेक्ट कै चुकल रही चारिम के दलिए ता तक हमरा ई पता नहीं रहे वो चिट्ठी हमरा नहीं देखल भेल रहे जे राजकमल चौधरी जे चिट्ठी में वही किताब के चर्चा केने छथिन आ ओय में लिखने रहथिन जे आप सोच सकते हैं इस किताब का अनुवाद मैं हिंदी में कर रहा हूं होगा आपसे ई साहस जे रहे जे ओ ककरो डांट सके छला ओ ओकरा हुनका जखन जाधर अहां बर्दाश्त करे के स्थिति में छिए अहां ओ काज कर रहल छिए तहन करित रहथिन तो ओ तकर बाद हमरा एनबीटी में काज करे ते बात के एते गौरव भेल जे ए किताब के जकरा राजकमल चौधरी अनुवाद करब शुरू केने रहथिन आ नै पूरा भ सकलन ओ किताब का हम अनुवाद करा रहल छी अंततः हमरा अनुवादक ओ किताब के नहिए भेटल तकर बाद आब एनबीटी के लोग ओ किताब के जे केने हुआ तो से कहलूं जे साहस ओ आदमी में एतेक रहे जो कोनो काज कै सके छला लेकिन हुनकर शर्त एकेटा रहे जे ओ जे काज हुए से मानवता के पक्ष में हुए आब संकट ई छे जे ओ अपना चारू कात जे ओ से माछी हाके वाला जे नांगर रहन हुनकर ओ नांगर में ततेक धाह रहे जे बहुत रास मूर्ख लोक सब से एकटा से व्यक्तिक प्रसंग मन पड़ गेल जे महिषी हमर अहाँ के बुझल है दीपक जे महिषी हमर मातृक छी तो ओमे से ओ हाँ ओ करीब 81-82-83 के समय में एकटा केओ कोनो किशोर वय के लोक रहे महिषी में जकरा से मन कने फिर गेल रहे तो ओ किछ करे लागे सड़क पर ओ किछ करे में से ओ अथी पर से गमछी में एकटा से ओ फुलही कटोरी बांध के आ तकर बाद ओकरा घुमाब शुरू कलके आ घुमबैत घुमबैत चले लागले चत्तो चत्तो अपन वो सब के चतवेत आब रहल रहे वही समय में हमर नानी जे छे से घर से निकलले या बस ओकर जे घुमैत रहे वो कटोरी के अथी जे छे धार एम लागले वो धंस गेल ते से वो जे चेतो वाला छे ओय में जे सुविधा से जे व्यक्ति ओय कटोरी के नहीं बुझ सकले कटोरी के धार के ते व्यक्ति के अखन राजकमल चौधरी अधला लग रहल छथिन लेकिन ई सुखद प्रसंग छिए जे मायानंद मिश्र के एकटा उपन्यास छपले है ना वो सूर्यास्त ओय में छे विलियम कुट एकटा नायक छे वो मर गेले तो ओकर से तर्क हम ई देलिए जे पुरान पीढ़ी जा रहल तब वो पीढ़ी जे राजकमल के निगेट करे के चेष्टा करत रहे वो पीढ़ी धीरे धीरे खत्म भ रहल छे आ जो अहाँ के ध्यान हुए त एक बरख पहिने से वो दूधनाथ सिंह वर्सेस राजकमल चौधरी वाला चिट्ठी पर से बहुत रास अथी सब भेल रहे तो किछ गोटे हमरा से हमरा में पार्टी बनबे के चेष्टा केने रहे तो ते में हम से कह देने रही कहलिए जे भाई 2015 में रचनावली छपले ते में ई चिट्ठी छपल रहे आ आय अहाँ 2019 में एहि पर विवाद कर रहल छिए लेकिन जहन 15 में तो दूधनाथ सिंह चिट्ठी देखने हथिन ना दूधनाथ सिंह स्वयं एहि पर कोनो विवाद नहीं कलखिन आ आब अहाँ एकर से एहि में बिटगरहा पढ़ रहल छिए तो ई तखन किया नहीं केने रहिए आ ई सब करे किया तो ओकर प्रकाशक से करू दोसर बात जे ई चिट्ठी ई तेसर बेर रचनावली में आबि रहल है इससे पहिने दू बेर संकलन में आबि चुकल है एकटा हमर किताब में आलोचना वाला किताब में एकटा संकलन में तो ई सबटा एहने एहने विवाद सब छे तो ई सुखद छे जे नवका पीढ़ी जे आबि रहल छे आ रचनावली छपलाक बाद हम त से जना जहिया योगी गवाहे हम छथि जे जहिया काज शुरू पीएचडी शुरू केने रही तहिया तो किछ रहे नहीं दूटा तीनटा किताब रहे कोन कोन धरनिया हम सब से कोना कोना किताब सब जुटाबी से सब रहे समय आब छे सामग्री उपलब्ध छे योगी के किताब छे हमर किताब ये रचनावली ये
आ ई बात ठीके कहलन योगी अहाँ के जे राजकमल प्रकाशन से अखन धरि अधिकांश रचनावली तो राजकमले प्रकाशन छापने छे, लेकिन सब रचनावली में अहाँ देखने हेबे जो एक टा हेतवाटा से लिखल गेले भूमिका वह छबो आठो खंड में छपले ई असकर पहिल रचनावली छे जे में संपादक के से अथी पर कवर पेज पर जगह दे के दे लेल मजबूर भेले प्रकाशक, आ दोसर जे सब खंड के अलग अलग भूमिका छे, केवल कृतज्ञता ज्ञापन एकेटा खंड में छे लेकिन भूमिका सब खंड के अलग अलग छे। वो हमर जिद रहे जे ई सब जे ई सत्यनारायण भगवान के प्रसाद नहीं चलते रचनावली में, तो खैर से ये बात के लिए हम प्रशंसा करे छी राजकमल प्रकाशन के कार्यकारी निदेशक अशोक माहेश्वरी आ हुनकर से सबटा स्टाफ के जे जेहन सौंदर्य के संगे ओ रचनावली अहाँ के देखा रहल है तैमे से हमर जिद आ हमर दखलंदाजी लेकिन कलात्मक कौशल आ स्वीकृति ई सबटा हुनका सबके से बहुत बढ़िया बात तो या मोट मोट बात भेल दीपक। जी सर बहुत बहुत रास जे राजकमल पर आरोप छे हमरा व्यक्तिगत ही बुझार पड़े कि वो आरोप के प्रत्युत्तर ई सर अहाँ के वक्तव्य एकदम में बहुत ठोस प्रत्युत्तर भ जेते। वो समय रहे जहां राजकमल अस्पताल में भर्ती रहते हैं और प्रॉपर उस समय के जो पत्रिका रहे उनमें इश्तहार लगा लगा कर उनकर निंदा कर जाते रहे, एक राजकमल छे वो एहन छे वो एहन छे। आ दोसर बात ई जे पीढ़ी वाला गप जे सरकार यो बहुत महत्वपूर्ण छे जे राजकमल का जे योगियो सरकार किन रहे जे राजकमल का के जे पीढ़ी रहे वो राजकमल का जतबा बुझ सकले अगला पीढ़ी राजकमल का ओसे बेसी स्वीकार कर रहा छे, कियाकि राजकमल अपन समय से बहुत आगा रहते। काम के बारे में सर एकटा जे सुखद जे एकटा विवेचना कयल गेल छे गाम के बारे में पंत जी लिखे छथिन भारत माता ग्राम वासिनी, दरअसल हमरा ई बुझार पड़े जे गाम ओहन सुखद छै नहीं, गामों के प्राकृतिक सुंदरता जतबा सुखद होए सामाजिक सुंदरता ओतेक सुंदर नहीं छै जे जे बहुत ज्यादा प्रशंसनीय हुआ बहुत बेसी प्रशंसनीय हुआ। कई तरह के राजनीतिक आरो सामाजिक एहन असामाजिक तत्व छै जे गाम के जे एहन प्रतिभाशाल व्यक्तित्व राजकमल सन प्रतिभाशाल व्यक्तित्व, क्योंकि जहन हम योगी सर के जीवन क्या जिया पढ़ते रहिए तो ओहिमे चंदा करे के रहे जे हुनकर जयंती मनेबे चंदा करबे, और चंदा करे जात रहथिन तो कहते रहिए गजेड़ी के तू सब करबा जयंती मनेबा। तो वो गाम के हालांकि आप स्वरूप बदल रहल छे, आप गाम धीरे धीरे चूंकि उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं संपूर्ण समाज, तो गाम के स्वरूप बदल रहल छे। तो एकटा जे अखन अपना सब चर्चा के अथी मरिए जे मैथिली आ हिंदी राजकमल के योगी सर चूंकि अपन गप का खत्मो कलखिन मैथिली हिंदी पर, तो हमारे आग्रह है योगी सर से जे हुनकर मैथिली साहित्य या हिंदी साहित्य के संदर्भ में हुनकर की विचार छे से राखते। देखियो दीपक हुनकर मैथिली साहित्य के अहा मोटा मोटी लिया तो जे ई गप विशेषता सब अहाँ के बतबै छी जे ओ पहिल जनरेशन के लोग भेलखिन जे देश आजाद भेले तखन ओ से तरुण होइ छलखिन किशोर अवस्था में रहथिन, तो आजादी देखलखिन और आजादी से कोनो भारत के आजादी कोनो बहुत मामूली बात नहीं रहे, एतेक लंबा लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम के जे आदर्श रहे से ओ कोनो साधारण आदर्श नहीं रहे, पूरा विश्व में पूरा पृथ्वी के लेल से एकटा ओ आदर्श रहे, और ओ आदर्श में पहिल पहिल श्वास ले वाला से जनरेशन के लोग रहते राजकमल चौधरी, हुनका आंख के सामने में आजादी ये धरती पर उतरल रहे और आजादी के से 12-15 साल बीत गेल रहे,
जे स्वप्न रहे और जे आदर्श रहे स्वतंत्रता संग्राम के, वो आदर्श का टूटे जे देखे वाला जनरेशन रहे से पहिल जनरेशन जे रहे से राजकमल चौधरी के जनरेशन, हुनकर जे मतलब आप तो खैर हमरा अहाँ के जनरेशन तो वो तो मैंने स्वा ध्वस्त भेला के बाद जे ओकर मैंने कहू ना कि ओकर स्टेज दर स्टेज के बाद के अपना सब से छे, लेकिन ओकर पहिल पहिल धाही जे अहाँ 100-150 बरस तक लड़ाई के बाद से एक महाद्वीप के लेल से जखन आजादी हासिल करे छे तो जे स्वप्न लैके जे लैके अहाँ आयल रहिए और ओकरा अब अहाँ के लागू करे के समय एक गप ई मैथिली साहित्य में जे पहल पहल बेर अलै है से राजकमल चौधरी के साहित्य में एक चीज अहाँ देखबे। दोसर देखबे जे जखन आजादी अलै तो फिर मने लोकतंत्र के स्वीकार कलक भारत, लोकतंत्र के स्वीकार करब से लोकतंत्र से एक जीवन मूल्य छी, दरअसल वो राजनीति राजनीतिक मूल्य से बेसी वो जीवन मूल्य छी। राजनीतिक मूल्य में से मतलब नेता लोगन के सोचब ई रहन कि मतलब राजनीतिक मूल्य के रूप में जखन ओकरा हम स्वीकार करबे तो धीरे धीरे वो हमर जीवन मूल्य में आयल जेते और एक प्रकार से जे छै से सार्वजनिक से अवस्था तक वो पहुँचते, मुदा ओहि में जे परेशानी भेलै तो एक मने वो जे पहलुका जे सामंत से के जमाना रहे मने सामंतवादी जे ढूह रहे ढहत किला सब ओकर अवशेष और ओहि अवशेष के चीतकार और ओहि अवशेष के छटपटी आ तै संगे ओकर जे छै से अंतर्द्वंद ओकर विडम्बना ई सबटा चीज अहाँके से जतेक प्रामाणिक रूप से अहाँके राजकमल चौधरी के साहित्य में भेटत ओ दोसर ठाम नहीं भेटत। अच्छा वो हम मैथिली साहित्य के बारे में हम कह रहे हैं, हिंदी साहित्य के बारे में जना नवल जी के वो से मैंने नवल देखे नवीन जी से कहलन जो कहलखिन कि हिंदी साहित्य उनका अंधकार छन कते लोग जे हर मैंने स्थापना पर से हिसाब से अज्ञा बेताल हेता जे मतलब बुझू जे जना क्रोध में आदमी चप्पल निकाल लै छै। हमरा मन पड़े जखन हाल में से एक युवा लेखिका छथि हिंदी में अनुशक्ति सिंह बहुत जुझारू और बहुत मतलब धारदार से लेखन करे वाली अनुशक्ति सिंह वो किताब पढ़े के बाद वो कमेंट कलखिन जे मतलब ये किताब पढ़े के बाद हमरा राजकमल चौधरी से सच सच माने में सच अगर हम बाजी तो हमरा प्यार भ गए, लेकिन मरल लोग से तो प्यार कैल नहीं जा सके आ न अपन पुरखा से प्यार करे के अपना सके कोनो परंपरा छे तब हमरा अहाँ जे कहिए गप पर मतलब वो आदमी तो अ प्रकार से जे छे से अहाँ के हृदय में प्रवेश करिए तरह अहाँ के जे छे से स्पर्श करी। तेसर बात छे कि जे आजादी के बाद से समाज में से मिथिला समाज में अनेक नव परिघटना सब भेले, कुछ चीज अहाँ देखबे जे राजकमल चौधरी के से कैटा उपन्यास में और हुनकर कहानी सब में से एकटा पात्र आबे छे भोला मास्टर, रिपीटेडली वो भोला मास्टर कहलखिन ललका पार्क तक में भोला मास्टर एलखिन हँ। तब भोला मास्टर दरअसल जे वो छे वो समाज में एक नया वर्ग पैदा भ रहा है, ऐसे पहले समाज में जो वर्ग छे से एक जमींदार छे एक किसान छे एक मजदूर छे एक नौकरियारा छे ये सब चिन्हल वर्ग रहे, वो में दलाल नाम के कोनो वर्ग नहीं रहे जे कि ऑफिस ऑफिस जते और वो जे छे से भर दिन वो हाकिम के आगू पाछू करते और मुंह में मुंह मिलेते आ वही से ओकरा कमाई भए जेते वही से ओकर रोजगार ओकर वह धंधा छे। ई वर्ग के अहाँ जे छे से उत्पन्न होइत देख रहल छी से राजकमल चौधरी के साहित्य में अहाँ देख ई काज पहलुको लेखक सब केलखिन जना मतलब अहाँ हरिमोहन झा के साहित्य में सीसी मिश्रा के देखबनि तो सीसी मिश्रा जे छे से ओहि समय में जखन अंग्रेजी से मिथिला समाज में पहिल पहिल बेर एले तो वो अंग्रेजी से पढ़ल जनरेशन में कोना कोन प्रकार से एक नया समाज बनेलके एक नया मैथिल के कोना मने पैदा करे छलिए तो तकर एक दृष्टांत सीसी मिश्रा छथिन। मुदा राजकमल के एक खास खूबी की रहन जे ए बात का बहुत साहस पूर्वक साहस के बारे में तो हमू कहलों शुरुए में कहलों नवीन जी से हो बहुत विस्तार से कहलन तो हुनकर की रहन साहस जे जखन वो अपन मैथिली रचना लिखल की ना तो मैथिल लोक जे छथि से बहुत बरबोलापन अहाँ देखबे मैथिल में मैथिल सन के मिथिला के संस्कृति सन के कौन मिथिला दिव्य छी मिथिला सब चीज में जे छै से जय मिथिला
राजकमल चौधरी बात के देखलखिन और रिपीटेडली देखलखिन अपन विभिन्न रचना सब से देखलखिन जे ई सब लोग जे शुभ्र सांवर छथि ना से केवल अपन देखावा में केवल अपन पहनावा में हिनका में जे नैतिक मूल्य छन से एकदम सफाचट छ कोना पूरा हुनकर साहित्य जे छै से प्रतिष्ठान एहन लोक सब तक मैंने स्वीकार कोना है ये तो बहुत मैंने कठिन है लेकिन ए, ए, पूरा पूरा ओकर जे छै से यहाँ के से समाज के से भीतर में जे मतलब वो चल रहल छै गामों में हमरा सब के से मतलब ई कही जे हम सब लगभग कनिये कनिये फर्क से काज करना शुरू कलो महिषी में राजकमल जयंती से पहिल बेर जे भेले से 1979 ईस्वी में भेले ओय समय में हम से दसवां के विद्यार्थी रही मैट्रिक नहीं पास कर रही ता देर और ओकर आयोजक रही वही में पहिल बेर जे छे से मंच पर हम कविता पढ़ने रही रामशाला पर महिषी के मंच पर मणिपद में जी आयल में छला है ओकर बाद से क्रम जे छे से चलन लागले हमरा लगे कि 2-3 साल के बाद नवीन जी हमरा सब से टीम में जुड़ गया हम सब संगे संगे काज करना शुरू कलो हमरा सब के जे छे से ओय समय में एकटा स्वप्न रहे अहाँ जे चर्चा कलो जे गाम में कते हमरा सब के विरोध भेल रहे और राजकमल के लेके हुनकर जे छे से की रहन मने गवां सब के सोच तो एकटा अहाँ के हम कह सके छी जे एक दू गोटे मिल के योगी और नवीन टाइप के एक साधारण आदमी मिलकर से अगर काज हम करबै कोनो उद्देश्य के लेल तो जे राजकमल चौधरी कल अपन गाम में अपन माइन के लेल छिछियाल घुरै छला है से अखन संसार में जे छे से वो मान्यता प्राप्त छथि और एक ललक के संग हुनका देखल जा रहल छ एक मतलब बहुत छोटो स्तर पर यदि काज शुरू कयल जाए और ओमें लगातार उसे निरंतरता बनने राखी तो एक मुकाम तक वो चीज जे छे से पहुंच सके छे महिषी के संगे जे छे से राजकमल के संबंध और राजकमल के महिषी के महिषी के राजकमल के संगे संबंध बड़ा मने कम्प्लेक्स छे राजकमल के बहुत कम समय से महिषी में बीतलन जन्मो भेलन हुनकर मातृके में और तकर बाद से वन जयदेवी की बच्चा के बहुत रास चित्र में वो जे घर के से वर्णन कलखिन से वह घर छे मधुसूदन बाबू के जे घर के अहाँ के वर्णन जीवन क्या जिया में ले या जे घर अखन हम सब महिषी में हुनकर पुरनका घर के देखे छे तो ई लागे छे जे मतलब वो पिता के संगे से हुनकर बेसी बीतलन और जखन वो तरुण छला तो तखनो जे छे से वो मातृक में बीती रहला तकर बाद पिता के संगे जे छे से वो जगह जगह अपन पढ़ लिखल लागला अंतिम समय 67 में 66 में बहुत बीमार पड़ला और 67 में हुनकर पिता रिटायर्ड भेलखिन और दुर्योग देखियो पिता पिता घुरलखिन 67 के जनवरी में उपराय और रिटायर भेल रहथिन और वही साल जे छे राजकमल से 66 में गांव घूर गेल छला है और अपन घर बनेने छला है ओहिठाम जरा कवि कुटीर से मैंने मिथिला के साहित्यकार समुदाय में कहल जाय छे और ओहिठाम से गेल कोनो एहन प्रसंग वो तो मतलब मैं ओहि में वो किताब अहाँ पढ़ने छी और किताब में पूरा बात बहुत विस्तार से ले है हुनकर जे छनि से मतलब सोचे के धरातल की रहन और से कोना हुनका जे छनि से जीवन में कार्य रूप होइ छलन तकर एकटा हमरा खिस्सा मोन पर लोग खिस्सा हम सुनबै छी जे सर मने 66 में जो बीमार पड़लखिन मधुसूदन बाबू के अपन समस्या रहल हेतन हमर अनुमान है जे ओ अंग्रेज के जमाना के हेडमास्टर छला है और अंग्रेज के जमाना में जे हेडमास्टर टाइप के जे पोस्ट होइ छले है तो ओकर ओतबे काज नहीं होइ छले है जना अहाँ हेडमास्टरी करू तो ओतबे काज नहीं होइ छले है ओ अंग्रेजक लेल जे छे से मतलब एकटा खुद के जासूस के तौर पर सेहो काज करै छले है मैंने अहाँ के सूचना संकलन और ये सबटा चीज कत की गड़बड़ कोना की चीज भ रहा है और 1942 के जे मूवमेंट भेल छले है ते में राजकमल खुद गेल छलखिन वो हाई स्कूल विद्यार्थी रहथिन नवीन जी एक पूरा किस्सा कहता और सुधीर चौधरी पर लिखने छथिन वो खुद गेल छथिन ओहि तरह जे छै अरेस्ट भेल छलखिन वो हुनका मने और मधुसूदन चौधरी के जे छनि से स्टेटस अंग्रेज राज में ओहि दिन से कम भ गेल तो आप मान लिया जी की पहलुका जो घटना सब छे जे मतलब बचपन में हुनकर उपेक्षा और फिर मतलब नवकी माँ के आवे के बाद के जे समय सब रहले ऊपर तक अपन अलग कहानी छे तो मतलब सीधा सीधा एना भेले जे आवे वाला समय में जे छे सीधा सीधा टकराहट वाला से स्थिति रहे
और 1 साल में बाप बेटा घुरलखिन और वो विवाद से मतलब ई रूप भेले जे कहियो कोनो दिन वो कह दिलखिन जे ठीक छे से हम अहाँ के से बेटा नहीं भेलो हम तो अहाँ के लिए मर गेलो तकरो पाछू कारण छे वो सब किताब में ले अहाँ के लिए हम मर गेलो हम अहाँ का आग नहीं दी जीर आग दे छथिन हम अहाँ का आग नहीं दे जहिया हुनकर निधन भेलन तो गाम में छला है दोनों बापूत गाम में छला गावे में हुनकर निधन भेलन सिमरिया में हुनकर संस्कार होइतन और रात में विदा हो के जे से वो प्रोग्राम बन ले रहे राजकमल चौधरी घर से फिरार भ गए उनका आग नहीं देवाक छ और रात में वो पहुंचलखिन जे से भगवती स्थान उग्रतारा मंदिर और उग्रता माने हुनकर जे छन से खाली एकटा बात अहाँ हम कहे छी कि जे साहसिकता से धार्मिकता के बिना नहीं आ सके इहो एकटा पक्ष और धार्मिकता जे छे से वो साहसिकता के बिना नहीं आ सके धार्मिक भेनाय मतलब एकटा तो धर्महीन अध्यात्म के से संदर्भ आवे छे नहीं कहे छे जे वो मंदिर खोलवा के रात में वो मंदिर में भीतर चल गेलखिन पुलकित झा पंडा हुनकर जे छन से मित्र रहथिन हुनका वो कह दलखिन कि जे मतलब हमरा जे कियो बजबे लेता तो हुनका अहाँ कह देबनि जे मतलब हम नहीं जाएब वो मंदिर के हमरा डिस्टर्ब नहीं करत वो ध्यान में से चल गेलखिन और वो तलवार जे मने छागर और पाठी के छागर के और पार का काटे ले जे वो तलवार तारा स्थान में देखे छे वो तलवार वो अपना लग में रख लेलखिन और दोपहर रात में जखन की मतलब सबसे गांव के निर्णय भले जे नहीं मतलब आग तो वह देथिन हुनका तो जाइए पड़तन तो जयनारायण चौधरी रहथिन सबसे सम्मानित लोग जिनका गांव में क्यों नहीं काटे छले हुनका संग क्या के लोग सब सब गेलखिन तो पुलकित झा उनका कहलकन जयनारायण बाबू के जे हुनका जे छन से अहाँ नहीं ले जइयो नहीं हुनका मतलब डिस्टर्ब करियो नहीं तो ये देखियो वो तलवार रखने से तो अहाँके काटि देता और जयनारायण बाबू ठीके घुर गेलखिन आ हुनका भेलन जे हाँ ठीके छे फूल बाबू एहन आदमी छथि जे वो चाहे तो काटि सके छे तो पहिल बात तो ई जे जिनकर से पिता आई मरलखिन वो जेठ पुत्र छथिन वो भगवती स्थान भगवती के मंदिर में ढुक सके छथिन की जे आस्तिक छथिन ओहो में तंत्र के जे छै से जना निष्णात वो ज्ञाता रहथिन और प्रयोक्ता रहथिन पहिल तो वो हिम्मते करनाय बहुत मुश्किल छै तो ओहि दिन अहाँ ओहि में ढुक जेबै और मंदिर खोल के भीतर जखन के पट बंद हो के समय चले वो पट बंद में जे छै से वो भीतर गेलखिन अपना लग में तलवार रखने छथिन और अपन मन के करे ला तो ताकतों के लिए दोसर धार्मिकता ई छै जे वो एते पैघ विद्रोह कह रहलखिन जे पिता अहाँ वो किताब अगर पढ़ने छी तहाँ देखबे जे राजकमल चौधरी पूरा समूचा जीवन जे आदमी के पीछा करत रहलखिन जे हुनकर आदर्श जी जे तक पहुँचे के कोशिश हुनकर छथिन वो मधुसूदन चौधरी रहथिन ओहि हाइट तक पहुँचे ले चाहे छलखिन वो हुनका लेल राजकमल चौधरी के लेल संसार के सबसे पैघ जे लोग चला है से मधुसूदन चौधरी चला लेकिन ओहि मधुसूदन चौधरी के वो आग नहीं दे तै ले जे छै मने जे कोनो क्षण में कमजोर पड़े छथि तै से शक्ति हुनका उग्र तारा देतन तो धार्मिकता विद्रोह क्रांति आध्यात्मिकता इस सब कह के जे छै से एक हिसाब से वो समाहार हुनका में भेटे छै और ये सब तो चीज से राजकमल के साहित्य में मैथिली साहित्य में बहुत साफ साफ महावन कविता के अखन नवीन जी चर्चा करे छला है महावन कविता में अहाँ देखबे तो ओहि में एक जे छै से आवे छे जे मतलब एकटा पत्रहीन नग्न गाछ टाइप के से बहुत विशाल का है से पीपर के गाछ छे ओहि गाछ में एकटा धोधर छे ओहि धोधर में एकटा गिद्ध छे ओ आन्हार रहै छे आ ओहि में विकराल कोनो जे छे जेना तूफान आबि गेलै है और वर्षापात हुए लागलै है और सबटा जीव सब ओहि में भागि भागि के आबै छे इहो भागि गेला है ओहि पीपर के गाछ पर में घर घोर अन्हार छे जला भादो के रात के अन्हरिया है छे तो वो कविता के वो डिटेल करे के क्रम में जे छे से वो जे धोधर में जे गिद्ध छे वो गिद्ध के रंग वो बदलखिन है पियर वो पियर गिद्ध छे मणिपद जी बाजल छला है अहाँ तो मन पड़त वो किताब हम लिखने छे ये बात के महिषी के मंच पर जे जखन जे छे से 67 के हमरा लागैया कि जे
मार्च अप्रैल में संभवतः मिथिला मीर में कविता हुनकर छपल रहन और मणिपद में लिखलखिन जे मतलब कविता के हम पढ़लों और हमरा भेल जे ई आदमी एकर जे कवि छिया से बहुत जल्दी इमेर जता हिनकर मृत्यु निकट आबि जता और वो कई गोटे लग में एक चर्चा कलक तो हम सब जखन मणिपद में जी महिषी के मंच पर बात बाजल रहते हम ही ठाड़ जाके प्रश्न केने रही है कि जे मतलब अपने से हुनकर अग्रज पीढ़ी के रचनाकार रहिए और जखन अपने के बात लागल जे वो मर जता तो हुनका चेतावनी किया न दिलिए हुनका कहलिए किया न किछ हिंट देतिए किछ एकर जे प्रतिकार होइ छे तंत्र में तो प्रतिकार होइ छे कोनो चीज अगर छे तो ओकरा रोकल जा सके से किया न चेष्टा के तब वो हंसा लागलखिन कहलखिन कि जे मतलब ओकरा रोकल जा सकत रह की हमरा मन कहने से और दोसर जे हम यदि हुनका कहतियन तो वो मान लेतथिन की मैंने हमरा से प्रति प्रश्न केलन सार्वजनिक रूप से ऐ प्रकार के विषय से व्यक्तित्व राजकमल चौधरी रहे राजकमल चौधरी के से अपन अन्वेषण के लिए हम सब यदि अपना के जानल चाहे थे ना तो हमरा सबके एक बेर राजकमल चौधरी के पढ़वाक चाहिए और बहुत चैन से पढ़वाक चाहिए वो मतलब राजकमल चौधरी के जानब तो दूर के बात छे वो तो बहुत बात के बात छे और हमरा अपना के जानै ले अपन ईमानदार जे मतलब एकटा मनुष्य जे आदमी के भीतर में छे ओकरा जानै ले हमरा सबके राजकमल चौधरी के परवाह चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद योगी सर। राजकमल चौधरी के जखन पढ़े छे बहुत नीक गप कहली यहाँ सर जे अपना आपके बुझे के लिए अपन विस्तार के लिए राजकमल के पढ़ब बहुत आवश्यक है। राजकमल के जहन पढ़े छे सर तहन ढेर रास एहन मिथक मिथकीय प्रतीक आ मिथकीय बिंब से साक्षात्कार होइ छे जे मिथकीय प्रतीक एकटा साधारण व्यक्ति के लग में नहीं भा सकैए। हुनका ऐसे स्पष्ट जाहिर होइ छे कि हुनका लग में अपन संपूर्ण सांस्कृतिक परिवेश के अपन संपूर्ण मीमांसा दर्शन के तंत्र ज्ञान के बहुत डीप विश्व बोध रहे विश्व वैश्विक स्तर के जे साहित्यिक विचारधारा सब रहे तकरो उनका बहुत गहन ज्ञान रहे ना एखने जे ओ जे अस्तित्व अस्तित्व का विचल यथार्थ कहलहुं अहाँ देखियो ना जे सार्त्र के अस्तित्ववाद भारतीय विश्व साहित्य में कहिया आये थोड़े दिन पहिने ललका पाक जे कथा छे ते में वो एमिल जोला के से प्रवेश करा चुकल छलखिन माने विश्व फलक के जतेक कोनो वैचारिकता रहे जे कोनो चिंता रहे वो सबटा चिंता समेत जे हुनकर जे स्तर रहे ना वो सबटा त चलनी जका एकदम सब की छना जाए आ जत्ता के नहीं चाहे लोग तो तहन तो और बात छे अहा वैष्णव कहानी पढ़ लिया ओकर अंतिम शब्द की छे रामगंज वाली कहलखिन जे जँ अहाँ वैष्णव छी ससुर के जँ अहाँ वैष्णव छी तो विष्णु भगवान भगवान ने राक्षस छथि। ननद भौज के अंतिम लाइन देखियो की मने वो लाइन नहीं छे सब गोटे के कहे छी राजकमल चौधरी लाइन लिखलखिन कहाँ वो सबटा दर्शन लिखलखिन जे जखन वो रामगंज वाली पद्मा के कहलखिन जे उठू उठू जान जीवित के संगे नहा लिया गंगा जल छीट लिया जीवित के संगे जब कोनो पाप ने तो मरल संगे कोन पाप ई कते पैग फिलोसफी छे जे जखन कखनो संशय हुए मनुष्यता के प्रति कतो अविश्वास हुए तो राजकमल चौधरी के पढ़ के वो संस्कार के कोष छे राजकमल चौधरी के साहित्य जकरा पढ़ब जरूरी छे आ से मने ई बात के कोना कहल जा जे एखनो मैथिली के बहुत रास रिसर्च स्कॉलर एखनो कहे छे जे राजकमल चौधरी पर पीएचडी करे चाहे छे से सामग्री ने भेटे छे आब वो कौन के गाइड के छथिन हुनकर से वा जाने थता त एहन एहन चीज सब जे आप अथी में देखियो जे जेम्स के जे चर्चा केने छथिन 1967 में उनको यान फ्लेमिंग के मृत्यु भले आ वो अपन समकालीन
विश्व के समस्त चेतना से परिचित रहतीन। जलते हुए मकान में कुछ लोग में देखियो जे अस्तित्ववाद के कौन विकट स्थिति छे, माने श्रृंग छे। तो ई सबटा छे, समय त आब अहाँ के अधिक भ गेल, आब गेल से अंबिकेश जी के सूचना, माने सूचना ने धमकी, त तें आब से हम सब बंद होय छी, अहाँ सब शुरू हो। हाँ सुनलो से बहुत बहुत सुने के, हमरा सब के सुने के अवसर दिलो, सुनबे के अवसर दिलो, ते लेल आभार। हाँ हमरो दिस आभार। समापन करो दीपक जी। सर जी सर, एक टा सर कंटे इशू भाग ले रहा कट गले फिर सर। तो सर हाँ तर एक टा गप सर, ई हम सब बहुत सौभाग्यशाली छी अई लेल छी जे एक टा सपना जे डॉक्टर तारानंद वियोगी आ डॉक्टर देव शंकर नवीन दखलखिन रह 20वीं शताब्दी में, आय ओ सपना अपना बलबूत है डॉक्टर वियोगी आ डॉक्टर नवीन ओ सपना का ई स्तर तक आनि देलखिन जे ओकर आप एक टा विस्तृत भूमि देखार दे छे। राजकमल आय ओकर प्रयोग भूमि महसी छे, ओकर प्रयोग भूमि महसी छे, ओकर प्रयोग भूमि महसी छे। हां बिल्कुल एकरा की नवीन जे छे सर, नवीन आ सहमत छी ना? एकदम एकदम सहमत छी। एकरा कह दियो एक दो घंटे बाद फोन करना। हां एकटा एकदम सहमत छी, ओकर प्रयोग भूमि, प्रयोग भूमि महिषी छी। रामशाला पर, रामशाला पर जखन ओ सब समय मोन पड़े कहियो कहियो त विह्वलता से होइए, मुदा खैर आप की। हां अहाँ के कोन दीपक की कहे चलो जी सर। त एकटा प्रसंग सर, ई बराबर ध्यान में आबैत रहे जे जहन नवीन सर नेशनल लाइब्रेरी में राजकमल साहित्य पर शोध के दरमियान पुस्तक के ताकल जात रहथिन, तो ये हमरा सुनबा में आयल रहे जे वो पुस्तक सब एतेक पुरान रहे आ पुस्तक में जे के बीच में पुरान पुस्तक बीच में जे कीड़ा देखो लग जाए छे, तो सर का ग्लव्स पहिर पहिर का वो पोथी सब का पलटावा पड़ित रहे। तो ई एकटा ई जीजी विशा के संग, ई जीजी विशा के संग अपने सर, अपने सब सर राजकमल विमर्श का आय एतेक दूर तक आनि देलिए हैं कि राजकमल आब परिचय के मोहताज तलक बात छे। हरेक विमर्श के केंद्र केंद्रीय एकटा साहित्यकार छथिन, साहित्यकार के कलाकार छथिन। जी सर आवाज आबि रहल छै सर? नवीन सर हम म्यूट छी जी। तऽ हमरा ई लगैए सर जे राजकमल एकटा एहन कलाकार छथि जे अपन कला के जे दायरा छै ओकर अतिक्रमणो करै छथि आ ओ कला के हुनकर दायरा जे छै असीमित सब भ गेलै हैं। आजुका संपूर्ण जतेक विमर्श लै लेल जाय, नारी विमर्श, यौनिक विमर्श, अहाँके जाति विमर्श जे छै, तकर बाद सांस्कृतिक विमर्श जे छै, सभक केंद्र राजकमल छै। तऽ ई सत्र एक तरीका से सर हमरा लेल व्यक्तिगत एतेक ज्ञानवर्धक रहल है जकर चर्चा नहि छै। हम बहुत बहुत आभार छी सर दुनू गोटा के, जे अपन अपन व्यस्त कार्यक्रम सँ, टफ कार्यक्रम सँ के बीच से समय निकाल के उपस्थित भेलिए। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के दिशा से हम दुनू गोटा के बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छी। हम विशेष तौर पर आभार व्यक्त करै छी ओ दर्शक लोकनि के जे अपन ई समय के बहुत दुसाध समय छै, ई ओ समय के व्यवस्था के बावजूद, तकनीक के बाधा के बावजूद एत समय उपस्थित रहला आ लगभग सवा घंटा से बनल रहला। हम सब गोट के बहुत बहुत धन्यवाद करै छी। आदेश होय तो सर इस सत्र के आप समाप्ति कैल जाए। जरूर जरूर जरूर। हाँ कैल जाए, कैल जाए। आभार सब गोटे के, आभार सबका, आभार।